ये ग्रीन लाइन अगर आप लोग भी देख सकते हो तो भाई मेरे को पता है आप लोग के भी फ़ोन में, बहुत लोगों के फ़ोन में ये वाला ग्रीन लाइन आ रहा होगा। जितने भी बंदे मेरी वीडियो स्पेशली देख रहे हैं उसमें से यार 50% से ज़्यादा बंदे का मतलब ये इशू आ रहा होगा, तभी आप लोग ने इस वाली वीडियो पर क्लिक कर रखा है। और भाई अगर आप लोग ने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो यार बिल्कुल कहीं पर भी स्किप मत करना और कहीं पर भी मिस मत करना और बिना देखे पूरा वीडियो मत जाना। आप लोग के लिए ये वीडियो एकदम हेल्पफुल, फुल पैसा वसूल है। और भाई इस वाले वीडियो से आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा A to Z फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप लोग भी वन प्लस यूजर हो तो। तो यार देखो प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ यार बने रहे वीडियो पे। और भाई ये वाला लाइन जो है ना मेरे, मैं जैसे ही अच्छा काम करने जाता हूँ ना तभी यार मेरे रास्ते में रुकावट आती आती है। कल मैंने रात में सोचा कि अब मैं गेमिंग करूँगा और डेली वीडियोज़ डालूँगा और भाई रात में ही जिस टाइम सोचा उसके बाद ये लाइन आ गई अपने फ़ोन पर। और भाई 50,000 का फ़ोन लिया था ये मैंने 2 साल पहले आज से, और आप अभी देख सकते हो इसका कंडीशन, देख के आपको लगेगा नहीं भाई कितना प्रीमियम है भी लुक लग रहा है। बस इसी लुक को देख के लिया था और इसका परफॉर्मेंस, बट यार 2 साल पुराना हो चुका था फिर भी यार मेरे को इसमें कोई इशू नहीं देखने को मिला था, बट ये ग्रीन लाइन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो अब इसको लेके जाने का बारी है सर्विस सेंटर, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो भैया मैं अपने मुरझाए हुए चेहरे और उलझाए हुए बाल को सही करते हुए चला जाता हूँ सर्विस सेंटर की तरफ बढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ यार कि चलो देखते हैं क्या होता है सर्विस सेंटर में जाने के बाद इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं रास्ते में भाई ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना रिकॉर्ड हो रही है ये वाली वीडियो भाई इसी वन प्लस के फ़ोन से यूज़ हो रही है, इसको मरते दम तक यूज़ करना है गाइस, इसको जाते जाते तक यूज़ करना, बस आगे आगे सो गाइज अपन जो है फाइनली अपन ऑटो पे बैठ जाते हैं सर्विस सेंटर जाने के लिए, क्योंकि यार सर्विस सेंटर जो है अपने घर से 7 किलोमीटर दूर था और भाई वहाँ जाने के लिए कम से कम मेरे को तो 1 से 1.5 घंटा लगता ही। और अपने दोस्त को लेके बैठ गया था, ये भाई भी वन प्लस लेने का ज़िद कर रहा था बट मैंने वो भाई बोला मत ले फंस जाएगा। और बस देखो आगे पहुँचते सर्विस सेंटर तो उसके बाद वहाँ मेरे को क्या देखने को मिलता है या क्या बोला जाता है बताता हूँ। सो यार फाइनली अपन पहुंच चुके थे सर्विस सेंटर वन प्लस के और यहाँ पे भाई इनसे पहले भाई साहब से जाके मेरे को टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम भी विजिट किया था तो भाई साहब ने टोकन दिया था और भाई टोकन दे के लंबे लाइन में बैठा दिया था। सो गाइस जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो ना ये सर्विस सेंटर की मैंने जो रिकॉर्ड कर रखी है ये मैंने अपने रियलमी के कैमरे से रिकॉर्ड करके रखी है। भाई साहब यहाँ पे बहन जी का टोकन लेने में मतलब टोकन देने में बिजी थे और उसके बाद मेरा टोकन भी मतलब लगने वाला था, मतलब मेरे को यहाँ पे पहले अपना नंबर नाम सबमिट करना था तब मेरा टोकन बताती है और उस हिसाब से मेरे को सर्विस में वहाँ पे अवेलेबल होता कि मेरा ऐसे टोकन नंबर 35 था अभी और इससे पहले वाले मेरा नंबर था टोकन नंबर 69। तो भाई यहाँ पे भाई साहब बोलते बताइए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये भाई साहब मेरा टोकन नंबर लिखते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई साहब भी चला रहे वन प्लस का एकदम सेक्सी सा कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है। तो मैं भाई साहब से पूछता हूँ भाई साहब कौन सा फ़ोन चला रहे हो, तो बोलते हैं भाई ये देखो वन प्लस 8। आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वन प्लस 9 प्रो 8 आपका के लिए नहीं आ रहा है। 35 टोकन नंबर 35 आज बड़ा भीड़ नहीं आ रहा था नहीं। और टोकन लेने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गया आराम से चेयर पे और मैं सोचा यार कि बहुत टाइम है अभी टोकन आने में, तो मैं सोचा क्यों ना यार यहाँ पे अपना गेम वेम खेल लिया जाए। और मैं यहाँ पे वेट करने लग गया कि भाई यहाँ पे बहुत भीड़ थी यार सर्विस सेंटर में सच में। सो भैया मैंने देखा कि अपना टोकन आने में तो बहुत देर है, तो उससे अच्छा है कि मैं किसी चीज़ का वेट करूँ, मैं यार अपना एक हाथ से ही गेम खेल लेता हूँ BGMI। और भाई यहाँ पे मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा था और एक हाथ से BGMI खोल लिया था, एक हाथ से जोनाथन बनने की पूरी कोशिश कर रहा था और भाई इस कोशिश में मैं पूरा कामयाब भी हो ही गया था, वो आगे आपको गेम प्ले देख के पता चलेगा। भाई ने TDM स्टार्ट कर दिया और भाई दिल धक 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 कर रहा था कि क्या ये मेरा मोबाइल एक्सेप्ट होगा। तो चलो यार जब तक मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। फर्स्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था सर्विस सेंटर तो भाई साहब ने साफ साफ में लफ्ज़ में बोल दिया था कि वन प्लस नाइन आर का पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, आपको इसकी जगह वाउचर लेना पड़ेगा, बाकी वन प्लस 8 सीरीज़ में आपको रिप्लेस करके मिलेगा या आपका 9 प्रो होगा तो भी रिप्लेस करके मिलेगा। सो फाइनली मेरा नंबर आ चुका था टोकन नंबर और मैं आ गया था काउंटर पे भैया से बात करने की क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो भैया ने यार पहले ही वीडियो बनाने से मना कर दिया था कि सर्विस सेंटर में अलाउड नहीं है, मैंने बोला यार आपके लिए मैं पॉजिटिव वीडियो ही बनाऊंगा क्योंकि आप मेरा काम करके दे रहे हो तो मैं आपका नेगेटिव वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट फिर भी यार क्या पता भैया को किस बात का डर लगा, बोला नहीं यार डिलीट कर दो मेरे फ़ोन से, लेके भैया ने वीडियो डिलीट कर दी। बट यार मैं घर आया और रिसाइकिल बिन से उसको रिकवर कर लिया, उसके बाद मैं यार प्रॉमिस कर दिया था जैसा कि भैया को कि भैया आपका फेस नहीं दिखाऊंगा मैं तो यूट्यूब पर, तो भाई का फेस इसलिए मैंने ब्लर कर दिया, बाकी यार भैया ने
अच्छा काम किया था, और भैया ने मेरे को दिया आधार कार्ड का फोटो कॉपी, जिसके नाम से फ़ोन था उसका मैं आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले गया था, उसके ऊपर मेरे को अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर और मतलब एक्सचेंज वाउचर करके कुछ लिखना था, वैसा लिख के मेरे को इनको सबमिट करना था। तो हाँ, मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं आया तो मेरा वन प्लस नाइन और वन प्लस नाइन आर का पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। तो आपको भी, आपका भी अगर डिवाइस वन प्लस नाइन या वन प्लस नाइन आर है तो आपको फ़ोन जो है बन के नहीं मिलेगा, स्क्रीन रिप्लेस करके नहीं मिलेगा, उसके जगह आपको वाउचर मिलेगा। वो कितने का वाउचर होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरा था वन प्लस नाइन, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, और स्टोरेज और रैम से कोई मैटर नहीं है, आपको डिवाइस के हिसाब से आपको वाउचर मिलेगा। तो मेरे डिवाइस का यहाँ पे मेरे को 32,000 रुपीज़ का वाउचर मिल रहा था, और उसके जगह पे मैं अपना कोई दूसरा सा डिवाइस ले सकता था। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया। फ़ोन सबमिट करने समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब इस वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। पहले तो मैं अपना प्रोसेस पूरा कर रहा था यहाँ पे, भाई बहुत ही भाग दौड़ लगा था मेरे को ये डॉक्यूमेंट मतलब जमा करने के लिए, क्योंकि यार इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया थी, और क्या क्या क्राइटेरिया थी नहीं थी वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी अपना फ़ोन सबमिट कर देता हूँ, और लास्ट में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो को एंड कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मेरा वीडियो आ गया क्या उसका? नहीं नहीं, आप सामान जो दे रहे उसका आ रहा है, आपका वीडियो नहीं जाएगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ये बस ऐसे ही ले रहे हैं, यूट्यूब है ना, उस पर हमको डालना है, बस इसलिए ले रहा हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब आप जो सोच रहे ना। सो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो भैया ने कितना मतलब, भैया नाराज़ हो गए थे मेरे वीडियो बनाने की वजह से, तो उस वजह से यार भैया ने बोला यार वीडियो बंद कर लो यार, तो अपना जो भी सामान सबमिट कर रहे हो उसका वीडियो बना लो, बट हमारे फेस का वीडियो मत लो। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन का डब्बा, फ़ोन का चार्जर, फ़ोन का कवर नहीं मतलब बिल, ये सब सारा कुछ मैंने यहाँ पे जमा किया है, और देख सकते हो ये सब चीज़ मैं एंडिंग में अच्छे से आपको समझाऊंगा, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल अभी। तो फाइनली जो अपना वन प्लस मैंने सबमिट कर दिया है, अब एक हफ्ता तक मेरे को वाउचर कोड आएगा, और उसके बाद मैं अपना नया डिवाइस ऑर्डर करूँगा। सो गाइस यार, फाइनली अपना फ़ोन सबमिट करने के बाद मेरे को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैं नाश्ता वास्ता किए बिना ही निकल गया था सर्विस सेंटर के लिए, और भाई यहाँ पे मेरे को गर्मा गर्म लिट्टी चोखा देखने को मिला, तो मैंने बोला यार चलो इसको जल्दी जल्दी से खा के पेट भर लेते। उसके बाद यार यहाँ पे मैंने पिया गर्म गर्म कुल्हड़ वाला चाय, जो कि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा था कि भाई यहाँ पे कितना मस्त सुकून मिल रहा था फ़ोन सबमिट करने के बाद, कि क्या ही बताऊँ। तो चलो यार, खाना पानी तो बहुत हो गया, अब आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ तो भाई लोग, मैंने अपने ग्रीन लाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कर लिया था, अब बारी है आप लोग के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो भाई देखो, आप लोग के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं दूंगा, उससे पहले यार अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक तो कर ही देना यार। आप लोग के लिए इतना अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, और भाई फुल एकदम अपना मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद, तो यार इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं मुद्दे की। तो देखो, बात ऐसा है कि मेरा था डिवाइस वन प्लस नाइन 5G, और वन प्लस का आप लोग को अगर याद हो तो चार मॉडल है, पहला है वन प्लस नाइन, दूसरा है वन प्लस नाइन प्रो, तीसरा है वन प्लस नाइन आर, और चौथा है वन प्लस नाइन आर टी। तो यार देखो, आप लोग के पास अगर इन चार डिवाइस में से कोई भी डिवाइस है, तो आप लोग का मतलब अगर इन चार डिवाइस में से अगर आप लोग का वन प्लस नाइन प्रो है ना, और आपका ग्रीन लाइन इशू है, तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हो, आपको वहाँ पे उसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग के पास अगर वन प्लस नाइन है, वन प्लस नाइन आर है और वन प्लस नाइन आर टी है, तो इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखो इनके मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, लाइफ साइकिल इन प्रोडक्ट का खत्म हो गया। तो जैसे कि यार मेरे को भी लगता है 2 साल में कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इतना जल्दी तो खत्म नहीं होता, वो भी इतनी बड़ी फ्लैगशिप फोन का, भाई इसका तो लाइफ साइकिल तो अभी रहना चाहिए अच्छा 5-5 साल तक, 6-6 साल तक तो रहता ही रहता है, बट यार उनका कोई भी रीजन होगा आई डोंट नो। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इसके जगह आपको दूसरा कुछ मतलब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं रिप्लेस होगा तो आप लोग को यार मतलब घर जाना पड़ेगा वापस, आपका पैसा बर्बाद, ऐसा नहीं है। रुको रुको, वीडियो अच्छे से देखना। तो अगर आपके पास वन प्लस एट है या एट टी है, वन प्लस एट का कोई भी सीरीज है, तो उसका भी आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, पार्ट्स अवेलेबल हो जाएगा। यही बात मेरे को समझ नहीं आई कि यार वन प्लस एट का पार्ट अवेलेबल है बट नाइन का क्यों नहीं है। तो यार इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया था सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे मैंने बस यही जब चीज़ पता करके मैं वापस आ गया था, तो उस टाइम मेरे को मैं जब गया था तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि वहाँ पे बता रहे थे कि मेरा जो वन प्लस नाइन है जिसको मैंने 50,000 में परचेज किया था, ऑफर लगा के 46,000 मेरे को पड़ा था, तो उसका मेरे को मिल रहा था। वहाँ सर्विस सेंटर वाले बोले थे कि ये डिवाइस यहाँ सबमिट करो और कंपनी आपको इसके बदले 23,000 की वाउचर देगी, और उसके बाद आप उस वाउचर से कोई भी दूसरा वन प्लस का मतलब डिवाइस ही ऑर्डर कर सकते हो, उस वाउचर से आप कोई और
डिवाइस नहीं, वन प्लस का ही कोई अच्छा डिवाइस आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर के यार बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई 50,000 का फ़ोन है 23,000 में कैसे दे दें, और गलती तो हमारी है भी नहीं, ग्रीन लाइन तो आप लोग की तरफ से। और भाई देखो सैमसंग व आईफोन सब में ये ग्रीन लाइन इशू देखने को मिला, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन प्लस में, लेकिन हाँ वन प्लस में बहुत ज़्यादा केसेस है और वन प्लस ने इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा से निकाल दिया। तो अभी रुको, फिर उसके बाद मैंने जब मतलब मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया उसके बाद, तब वहाँ पे मेरे को कुछ और ही देखने को मिला। उन्होंने बोला भाई आपका जो डिवाइस है इसके बदले में आपको 32,000 का वाउचर मिलेगा, आप यहाँ ये डिवाइस सबमिट करके चले जाओ। तो मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया यार, मैंने 46,000 में लिया उसको, 50,000 का वो डिवाइस था, 2 साल उसको रगड़ के यूज़ किया, 2 साल उस पर जबरदस्त गेमिंग की, और जितने भी सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं और उसके मदद उसके भी उसका भी हाथ है उस डिवाइस का भी सब्सक्राइबर के पीछे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बट यार वो डिवाइस मैं खोना नहीं चाहता था क्योंकि यार सेल्फ अर्न्ड पहला इतना महंगा डिवाइस मैंने लिया था, बट कोई बात नहीं, अब ऐसा इशू आ गया तो यार करना ही कुछ पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा मतलब सोच लिया कि चलो यार अब अपना तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास अगर इन चीज़ में से कोई भी डिवाइस है, वन प्लस नाइन आर और वन प्लस नाइन आर टी, अगर वन प्लस नाइन प्रो है तो आप लोग सर्विस सेंटर जाओ, आप लोग को वहाँ पे स्क्रीन रिप्लेसमेंट करके 5 से 10 दिन में मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास वन प्लस नाइन प्रो नहीं है, ये 3 सीरीज है वन प्लस का, तो आप लोग को क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग का वन प्लस नाइन आ रहे हैं तो आप लोगों को मिलेगा 23,000 रुपीज़ का कूपन, ठीक है, 23,000 या 19,000 का आप लोगों को कूपन मिलेगा, हाँ 19,000 का, ठीक है, आप लोगों को 19,000 का कूपन आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग को कोई भी वन प्लस का ही फ़ोन ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को 32,000 का कूपन मिला, ठीक है। तो कैसे इसका प्रोसेस क्या रहेगा कूपन लेने का वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत डिफिकल्टी होने वाला है। तो यार कल मैं गया था वहाँ पे अपना फ़ोन सबमिट करने वन प्लस, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा मैंने फ़ोन सबमिट कर दिया वहाँ पे। मेरे को क्या क्या लगा, मेरे को यार सबसे पहले बिल ढूंढने में बहुत दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि बिल मेरे पास था नहीं, किसी और के अमेज़ॉन अकाउंट से मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन था। अगर आप लोग ने ऑफलाइन ऑर्डर किया होगा तो आप लोग के पास बिल होगा उसका, याद से बिल दो बिल रहता है अमेज़ॉन का, तो दो बिल रहता है, और ऑफलाइन में शायद एक ही बिल रहता है, ऊपर बिल रहता है, नीचे वारंटी स्लिप रहता है, ठीक है, आपको वो दोनों चाहिए। तो मैंने यार सबसे पहले अपने अमेज़ॉन पे मतलब जहाँ से ऑर्डर करवाया था अपना फ़ोन वहाँ पे गया, अपने ऑर्डर माई ऑर्डर पे गया, इनवॉइस निकाला पहला ऊपर, और उसके नीचे एक और रहता है बिल, याद रखना वारंटी स्लिप, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ध्यान से रखना, ये भी आपको चाहिए वहाँ जाओगे अपना फ़ोन सबमिट करने। तो और एक आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आपने जिसके नाम पे भी वो फ़ोन ऑर्डर करा होगा उसका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, ये 3 कागज़ आपको चाहिए, इसका आप फोटो स्टेट करवा लो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब बिल को इन ये निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, ये 3 चीज़ का प्रिंट आउट निकलवा देना। और उसके साथ आपके पास रहना चाहिए फ़ोन प्रॉपर कंडीशन में, कहीं पे भी टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए फ़ोन, और वर्किंग मतलब पूरा मतलब बस ग्रीन लाइन इशू होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी साइड में डेंटिंग वगैरह है, अगर स्क्रीन विस्क्रीन फूटा हुआ है, अगर बैक पैनल ये सब टूटा हुआ है, तो आपका कोई माफ़ी नहीं है, आपको फ्री में नहीं करके मिलेगा। तो हाँ, तो ये चीज़ आपका नहीं रहना चाहिए, फ़ोन आपका फुल में रहना चाहिए जैसा मेरा था। और एक चीज और बता दूं, अगर ये ग्रीन लाइन इशू आ रहा है तो ये लाइफ टाइम वारंटी है इसका, ऐसा नहीं कि अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है तो भी आपको ये मिलेगा, अगर ये नहीं कि आपका वारंटी खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, ये लाइफ टाइम वारंटी है ग्रीन लाइन इशू का। तो ये चीज़ मैंने बता दिया, चार्जर चाहिए, बिल चाहिए, और डब्बा चाहिए फ़ोन का, बस इतना सारा चीज़ आपको चाहिए। कागज़ जो 3 मैंने बताया उसको दिमाग में रख लेना, वो 3 आपको चाहिए चाहिए, और एक फ़ोन का डब्बा, चार्जर भी लिया भाई उन्होंने, सच बता तो चार्जर तक लिया उन्होंने। उसके बाद वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, और वहाँ पे आपको जैसे कि मैं फिल कर रहा था, आधार कार्ड का अपना नाम अच्छे से लिखना और ईमेल अच्छे से लिख देना आप, क्योंकि आपको वाउचर कोड जो है उसी ईमेल पे आएगा, अच्छे से आपको वाउचर कोड मतलब ईमेल अच्छे से लिखना, जो आपका मेन ईमेल है, जो आपके फ़ोन में दूसरे फ़ोन में लॉगिन एनी टाइम रहता है, क्योंकि भाई पैसे का सवाल है, फ़ोन आप वहाँ सबमिट कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा उसके उसी ईमेल पे वाउचर आएगा, ठीक है। तो भाई साहब से मैंने पूछा यार मैंने फ़ोन तो सबमिट कर दिया, तो अब मेरे को कब तक मेरे को वाउचर आ जाएगा? तो भाई साहब मैं वीडियो बना रहा था तो गुस्सा में से बोले यार यूट्यूब पे देख लो, तो मैंने बोला यार बता दो यार फिर भी। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता तक आएगा आपका वाउचर आ जाएगा आपके ईमेल पे 1 हफ्ते तक, और उसका वैलिडिटी रहेगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो भाई फाइनली मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कल जमा किया था, सबमिट किया था अपना फ़ोन को 2 बजे, और आज सुबह 10 बजे मेरे को मेल आ गया, मेरे को वाउचर कोड मिल गया, ठीक है, हाँ मिल गया। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी वाउचर कोड मैंने यूज़ नहीं किया, अगर दिखा दिया गलती से इधर कुछ भी नहीं गाइस। तो वाउचर कोड मेरे को मिल गया, ठीक है, अभी वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो यही वाला बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोग को मैंने प्रोसेस बता दिया, अगर अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करो, या
या इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप आके मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। और हाँ, मैं उस वाउचर कोड को अभी इस वीडियो को एंड करने के बाद जा रहा हूँ यूज़ करने और फ़ोन ऑर्डर करने, ठीक है। तो वो वाला वीडियो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा कि मैंने वाउचर कोड को कैसे यूज़ किया और कौन सा फ़ोन ऑर्डर किया और क्यों ऑर्डर किया, और जो भी फ़ोन मैं लूँगा उसका मैं रिव्यू ज़रूर से दूंगा। और भाई इसी टेंशन में मैं अभी गेमिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि यार मेरा फ़ोन का इशू चल रहा था, तो गेमिंग भी थोड़ा सा मेरा 19-20 चल रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और हाँ, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, मैं दे सकता था उतना दे दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई सा डाउट है या कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे को मैसेज करने के लिए फ्री रहो एनी टाइम, मैं किसी भी टाइम आपको रिप्लाई एनी टाइम मतलब दूंगा। अरे यार क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया भाई, इस चक्कर में मेरा 3 से 4 दिन बर्बाद चला गया। और हाँ, आगे जो भी प्रोसेस रहेगा मैं बताऊँगा मैंने कौन सा फ़ोन ऑर्डर किया और कैसे ऑर्डर किया, वो स्क्रीन शॉट मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब दिखा दूंगा, ताकि आप लोग यार एकदम प्रॉपर वे में अपना बात को समझो। और हाँ, याद रखना आप लोग वाउचर कोड ही ले सकते हो 19,000 का, अगर 9 आ रहा है तो उसके लिए आपको 19,000 का वाउचर कोड मिलेगा, 9 है अगर तो उसके लिए 32,000, मेरे को तो बहुत अच्छा मिला है, मैं खुश हूँ भाई वन प्लस के लिए। और बस आज का वीडियो रखते हैं यही तक, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो यार जाते जाते वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।